हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइन एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखें करंट अफेयर्स 2021 के अर्धवार्षिकी की जो सीरीज चले उसके पार्ट 10 को, जिसमें जो है 1 जनवरी से 1 जुलाई 2021 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस की एक सीरीज के तौर पर देखा जा रहा है। तो बराबर जुड़ जाए और इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग पास ये पहुँच सकें। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर आवाज़ से जुड़ें ताकि आपको इसका PDF मिल जाए। देखेंगे 1 by 1 सभी क्वेश्चन को, तो फटाफट जुड़ जाएँ। और सभी क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा, तो फास्ट सबका आंसर करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन। तो आपकी स्क्रीन पर रहा पहला क्वेश्चन और इसके लिए समय आपका स्टार्ट हो चुका है। फटाफट जवाब करें कि राइट आंसर इसका क्या है पहले क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन का 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम क्या था? पहले तो आपको ध्यान रखना है 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। अब इसकी थीम आपसे पूछा जाती है, इसकी थीम थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी कि इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इसकी क्या थी, थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसके लिए आपका समय स्टार्ट होता है। फटाफट जवाब करेंगे राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई है? तो यह आरक्षण देगी कौन सरकार? तो बिहार सरकार। ध्यान रखिएगा मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाएं जो है उनको 33% आरक्षण दिया जाएगा, यानी उनकी सीटें जो है रिजर्व की जाएंगी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा स्क्रीन पर, उसके लिए समय स्टार्ट है। फटाफट जवाब करेंगे राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरा गोंगो, ठीक है, ज्वालामुखी का नाम है नीरा गोंगो, में विस्फोट के कारण शहर को खाली कराना पड़ा? तो आपका ये प्रसुप्त ज्वालामुखी था, जो मतलब कभी भी उद्गार हो सकता है फ्यूचर में, इस प्रकार की ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांगो गणराज्य में, यानी कि कहाँ पे, कांगो गणराज्य में ये आपका नीरा गोंगो ज्वालामुखी था, अफ्रीकी देश है, मतलब अफ्रीका महाद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और उसके लिए समय आपका स्टार्ट हो चुका है। फटाफट जवाब करें कि राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन, हाल ही में प्रारंभ की गई सेग परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से? तो सेग परियोजना की अगर बात करेंगे तो किस मंत्रालय से संबंधित है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से कौन सी योजना संबंधित है, सेग परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन और उसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक, सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो किस राज्य को मिला है, छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ को इसमें क्या है कि प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और उसको जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाफ्ताली बेनेट को। इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू थे, उनको ध्यान रखिएगा, ठीक है, पुराने वाले, लेकिन अब जो है नाफ्ताली बेनेट हो गए, वर्तमान में जो है नाफ्ताली बेनेट हो गए करंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है और सातवें, इसका जवाब करें फटाफट के राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सातवें का राइट आंसर क्या है फटाफट जवाब करें। और इसका जो है आप नंबर के साथ क्या करिए, ठीक है, सेवन का कौन सा है इस प्रकार से, मतलब सेवन का ए है बी है इस प्रकार से करेंगे तो ज़्यादा सही रहता है। तो सेवन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे हाल ही में चर्चा में रहा टेबल माउंटेन क्या है, टेबल माउंटेन किस देश में स्थित है? तो कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि टेबल माउंटेन कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन और उसके लिए समय स्टार्ट होता है। फटाफट जवाब करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, एट का। क्वेश्चन है, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा है? तो 2021 में जो भारत का स्थान रहा अगर उसकी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 49th है। देन के कौन सा स्थान है, 49th यहाँ पे प्लेस आपका है इंटरनेट सूचकांक 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन और उसके लिए समय आपका स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी
रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पे बात की जा रही है डोपिंग एजेंसी यानी नाडा की बात की जा रही है, तो नाडा के जो नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? सिद्धार्थ लोंगजाओ बने हैं। सिद्धार्थ लोंगजाओ है इसमें क्या नाडा के महानिदेशक बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और उसके लिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं, पहले आपको पता होना चाहिए भाई इसमें सही कौन सा है। देखिए इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया, एकदम सही है, पहला तो सही हो गया। दूसरा का प्रथम स्थान कजाकिस्तान तथा ईरान को मिला है, मतलब पहले स्थान पर कजाकिस्तान तो दूसरे स्थान पर ईरान था। भारत का स्थान तीसरा था, एकदम ए भी राइट है, यानी आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी सभी सही हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है, फटाफट जॉब करें कि राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन दे रखा है 2021 में आयोजित होने वाले वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो कौन करेगा? यहाँ भाई अरविंद केजरीवाल को यहाँ पे दिया गया है, ये जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल को दी गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और उसके लिए समय स्टार्ट। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई? संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई तो किसके द्वारा की गई है? तो ट्राइफेड के द्वारा शुरुआत की गई, ध्यान रखिएगा ट्राइफेड के द्वारा किसकी शुरुआत की गई? संकल्प सिद्धि की। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसके लिए आपका समय स्टार्ट होता है अब, तो फटाफट जवाब करेंगे राइट आंसर क्या है यहाँ पे आपका 13 का। क्वेश्चन है हाल ही में RBI ने प्रतिभागियों के लिए को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में हस्तांतरित करने के मामले को निर्देश का पालन ना करने के लिए किस बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो किस बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया? ICICI बैंक पर लगाया गया है। किसके द्वारा लगाया गया? RBI के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और उसका जवाब करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का। क्वेश्चन है दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका, नाम क्या है अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो अभी 14 के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो कहाँ पे किया गया? पुर्तगाल में किया गया, ध्यान रखिएगा पुर्तगाल में इसका उद्घाटन किया गया है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर और इसके लिए आपका समय स्टार्ट हो चुका है, फटाफट जवाब करें। क्वेश्चन हाल ही में पहला गैर क्वाड देश का कौन बना जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो क्वाड देश की बात की जा रही है तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात करेंगे किसके साथ किया गया? रूस के साथ, ध्यान रखिएगा किसके साथ? रूस के साथ इसको किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका स्क्रीन पर और उसके लिए आप समय स्टार्ट है, फटाफट जवाब करें। क्वेश्चन है मेफ्लावर 4000 क्या है? सॉरी 400 है, मेफ्लावर 400, मेफ्लावर 400। तो मेफ्लावर की बात की जा रही थी, मेफ्लावर क्या है भाई? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक जहाज है, ध्यान रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक जहाज है क्या? मेफ्लावर 400। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे कि आपका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो फटाफट जवाब करें। क्वेश्चन दे रखा है यूनेस्को गुइलेर्मो कैर्नो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर की बात करें मारिया रेसा को सम्मानित किया गया है। यूनेस्को कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से जो यहाँ पे सम्मानित किया गया, किसे? मारिया रेसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है और फटाफट उसका भी जवाब करें आप। क्वेश्चन है संसद टीवी के प्रथम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रवि कपूर यहाँ पे हो जाएंगे, रवि कपूर को जो यहाँ पे नियुक्त किया गया है प्रथम CEO। ये आपका संसद टीवी है क्या भाई? लोकसभा टीवी और राज्यसभा दोनों को मर्ज करके एक नया नाम दे दिया गया, उसका नाम क्या हो जाएगा? संसद टीवी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है और इसके लिए आपका समय स्टार्ट होता है। फटाफट जॉब करेंगे, राइट आंसर यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद किस देश में स्थित है? अल अक्सा मस्जिद की अगर बात करेंगे तो कहाँ पे है? यरूशलम में। यहाँ पे हमला हुआ था हाल ही में, तो उससे जो है ये आपका चर्चा का विषय बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसके लिए समय आपका स्टार्ट है, फटाफट जवाब करें। क्वेश्चन रखा 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुई? G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बात की जा रही तो कहाँ पे संपन्न हुई? इटली में संपन्न हुई, ध्यान रखिएगा इटली में संपन्न हुई। इटली की राजधानी रोम है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंडोनेशिया जकार्ता, रूफिया यहाँ पे हो जाएगा, ब्राजील ब्राजीलियस और दिरहम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर और उसका भी जवाब करें फटाफट। 21st का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, कह रहा है कि वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच किया जाने वाला थल सेना अभ्यास है? वज्र प्रहार की बात की जा रही है तो वज्र प्रहार जो है भारत और अमेरिका के मध्य किया जाता है। ध्यान रखिए वज्र और प्रहार भारत और अमेरिका के मध्य थल सेना का संयुक्त अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और फटाफट जवाब करें इसका कि राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन है किस बैंक ने दुकानदारों के लिए डिजिटल संपर्क रहित बैंकिंग मर्चेंट स्टॉक लॉन्च किया है? मर्चेंट स्टॉक की बात की जा रही थी, इसको किसने लॉन्च किया गया? ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, ध्यान रखिए ICICI बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और उसका भी जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी है? तो यहाँ पे पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी है तो इनके राइट आंसर की बात करें कृति के करंत को दिया गया है पहला जो यहाँ पे वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021, ठीक है। ये पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फटाफट इसको जवाब करें। क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया? देखो भैया टीबी मुक्त घोषित हो गया कौन? लक्षद्वीप हो गया, मतलब लक्षद्वीप में कोई भी टीबी का केस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट और इसके लिए समय आपका स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री पर्यावरण की रक्षा हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो 25 पे राइट आंसर की बात की भारत ने किस देश के साथ समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए किया है तो जर्मनी के साथ किया है। ध्यान रखिएगा जर्मनी के साथ हमने जो है क्या किया है समुद्री पर्यावरण की रक्षा हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसके लिए समय स्टार्ट। क्वेश्चन है द क्रिसमस पिग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक जो अभी देखिए रिलीज नहीं हुई, अक्टूबर में रिलीज होगी, लेकिन इस जो है लिखी जा चुकी है तो कौन है? जीके रोलिंग की बुक है। ध्यान रखिएगा द क्रिसमस पिग मतलब लिखी जा चुकी है लेकिन अभी ये पब्लिश नहीं हुई है। जीके रोलिंग जो इसके राइटर हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और देखेंगे अपने क्वेश्चन को, तो फटाफट इसका जवाब करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 27 का। तो क्वेश्चन है कोची मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है? भाई जो लाइन बिछाई गई है पाइपलाइन वो गेल के द्वारा बिछाई जा रही है, ध्यान रखिएगा गेल के द्वारा ये काम किया जा रहा है, कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर है उसका भी जवाब करें फटाफट। ट्वेंटी एट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है? तो किसने शुरू किया है इसको? मध्य प्रदेश ने शुरू किया गया मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान जो है मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट जवाब करें इसका राइट आंसर क्या है।
किसने भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यहाँ पे किडनी डायलिसिस की बात की जाए तो कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया, ध्यान रखिएगा दिल्ली में किया गया, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है, ठीक है ध्यान रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और यहाँ पे इसके लिए आपका समय स्टार्ट हो चुका, फटाफट जवाब करने की, राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन है हर घर पानी, हर घर पानी, हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? हर घर पानी हर घर सफाई जो ये अभियान शुरू किया गया है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि मतलब ये जो है हर घर तक पानी पहुंचाएगा और हर घर की सफाई होनी चाहिए, तो इस प्रकार का जो मतलब कूड़ा जो उठाया जाएगा उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो ये पंजाब राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और उसका भी जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो यहाँ पे पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की बात की जा रही है, 31st का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। देखिए शिक्षा वगैरह की बात होती है तो केरल का ही नाम ज़्यादातर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है भाई, फटाफट इसका जवाब करें कि राइट आंसर यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा जलवायु राजदूत के तौर पर किसको चुना गया? माइकल ब्लूमबर्ग को। किसको चुना गया? माइकल ब्लूमबर्ग को चुना गया यहाँ पे जलवायु राजदूत के द्वारा। किसके द्वारा? जलवायु राजदूत चुना गया किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसको चुना गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 32nd नेक्स्ट क्वेश्चन है और उसके लिए आपका समय स्टार्ट होगा, फटाफट जाओ कर 33rd का। क्वेश्चन है मंगल ग्रह की कक्षा में भेजा गया अंतरिक्षयान तियान वेन वन किस देश का अंतरिक्षयान है? तो किस देश का अंतरिक्षयान है भाई? चाइना का है, ध्यान रखिएगा चाइना के अंतरिक्षयान है तियान वेन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट जवाब करें और आपकी स्क्रीन पर आ चुका है समय भी। क्वेश्चन है प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण किस देश में बनाया जा रहा है? तो प्लेटिपस की बात की जा रही थी, इसका जो अभ्यारण बनाया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है प्लेटिपस को बचाने के लिए, ठीक है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और इसके लिए समय आपका स्टार्ट है, फटाफट जवाब करें यहाँ पे 35 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन देखा किस देश में दुनिया का पहला सिप टनल बनाया जाएगा? तो सिप टनल की बात की जा रही है 35 का जो राइट आंसर कह रहा है कि सिप टनल नॉर्वे में बनेगी भैया, ध्यान रखिएगा नॉर्वे में बनाई जाएगी, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है और उसका भी जवाब करें फटाफट 36 का। तो क्वेश्चन है 24 मार्च 2021 को मनाया गया क्षय रोग दिवस का थीम था, तो 36 के यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो थायरोइड दिवस की जो थीम थी द क्लॉक इज थिंकिंग, ठीक है। यहाँ पे आपका टिकिंग टिकिंग रहेगा, थिंकिंग नहीं टिकिंग रहेगा, क्लॉक इज टिकिंग आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एन डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है और उसका भी जवाब करें फटाफट। तो यहाँ पे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध गुच्छी मशरूम, देखिए आपने नॉर्मल मशरूम देखी लेकिन एक गुच्छी मशरूम है, ठीक है, गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो किस राज्य के गुच्छी मशरूम है भाई? जम्मू कश्मीर, जहाँ पे जो है केसर उत्पादित होता है, ध्यान के केसर एकमात्र राज्य में उत्पादित होता है, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका स्क्रीन पर और उसको भी जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला हाल ही में कौन बना है? पहला राज्य जो है कौन सा ऐसा बन गया कि जिसने जो है महिलाओं दंपति को क्या दिया है, संपत्ति में अधिकार देने की बात की गई है। तो महिलाओं को जो है संपत्ति में अधिकार देने की जो बात की गई किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा की गई, उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक घोषणा की गई है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका समय स्टार्ट होता है, फटाफट जवाब करेंगे राइट आंसर क्या है यहाँ पे 39 का। निम्नलिखित में से किसे नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? रवि गायकवाड़ को यहाँ पे सम्मानित किया गया,
नेल्सन मंडेला विश्व समानता आदि पुरस्कार 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और इसका भी जवाब करें फटाफट कि राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिज्ञा परीक्षा योजना की शुरुआत की गई है, तो किसके द्वारा शुरू की गई, दिल्ली के द्वारा शुरू की गई, दिल्ली केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और इसको भी जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है हाल ही में किस संस्था द्वारा यूएन फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी किया गया, तो इसको किसने जारी किया है, तो यहाँ पे जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट इसको अभी जवाब करें भाई राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है हाल ही में असम सरकार ने किस एथलीट को DSP नियुक्त किया गया है, तो ये क्वेश्चन लगभग सभी को पता होगा 42 का राइट आंसर क्या है, तो यहाँ पे हीमा दास को नियुक्त किया गया, ध्यान रखिएगा हीमा दास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है उसको भी जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है फरवरी 2021 में किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों के विदेश मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों की पहली बैठक आयोजित की गई, तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी इटली, यानी कि डी आपका यहाँ पे इटली हो जाएगा। नेक्स्ट वन और इसके लिए समय आपका स्टार्ट हो चुका है, फटाफट जवाब करें। क्वेश्चन है वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो कुंभ मेला भाई कहाँ पे लगेगा, हरिद्वार में लगेगा, ध्यान रखिएगा हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और उसको भी जवाब करें फटाफट। नंबर के साथ इसलिए मैं बोलता हूँ तो मतलब आपकी स्क्रीन पर अगर दो क्वेश्चन दिख रहे हैं तो नंबर के साथ क्या करने की कोशिश करें, ठीक है। रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस द्वारा संचालित एक पहल है। देखिए भारत और रूस मिलकर इसको शुरू कर रहे हैं लेकिन न तो भारत में ना तो रूस में, कहाँ पर, किसी दूसरे देश में, तो दूसरा देश है कौन सा, बांग्लादेश। ठीक है, तो रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ पे, बांग्लादेश में, भारत और रूस की इस मतलब यहाँ पे संचालित एक परियोजना है, मतलब दोनों देश मिलकर इसको वहाँ पे शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की बात करें तो आपका स्क्रीन पर आ चुका है और इसको भी जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है अप्रैल माह में मनाए गए त्योहारों में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आपका सुमेलित कौन सा, मतलब सही आपका जो है इसमें जो है किसका मेला, तो जूड़ शीतल बिहार एकदम सही, बिशु केरल सही, सिग्मो गोवा ये भी सही है आपका, उपरयुक्त सभी हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है उसका भी जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन दे रखा हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो किसके द्वारा जेंडर कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया गया है, तो ये आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया जेंडर संवाद कार्यक्रम। नेक्स्ट और नेक्स्ट के लिए आपका समय स्टार्ट होता है, फटाफट जवाब करें कि राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है किस राज्य से है, तो राजस्थान से, ध्यान रखिएगा राजस्थान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर और उसका भी जवाब करें 49 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दे रखा किस अनाज पर MSP के लिए सर्वाधिक धन का आवंटन बजट में किया गया, MSP की बात की जा रही सर्वाधिक धन आवंटित किया गया है, दिया गया है, तो किसके लिए, चावल के लिए, ठीक है, राइस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भाई, फटाफट इसका भी जवाब कर देंगे राइट आंसर क्या है। देखो भाई लाइक अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और इसको शेयर कर दीजिएगा, मैक्सिमम लोगों के पास पहुँचा दीजिएगा।
बजट में कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है, तो कहाँ पे खोलने की घोषणा की गई, लेह लद्दाख में। ध्यान रखिएगा लेह लद्दाख में भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है, जो कि लद्दाख की राजधानी है। ठीक है, तो आपके मोस्ट मॉडर्न जो 50 क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो आपके पार्ट 10th आए, इसका PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़े ताकि आपको इसका PDF मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनेंस विद आशीष सर। थैंक यू।